जाओगे? अरे ना 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 मेरे बच्चा, अरे 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 भाई, अरे भाई, अरे ओ नो ओ। दोस्तों आप लोग पूछ रहे होंगे कि मैं कल्लू का वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। आज लगभग 3 महीने हो गए और 3 महीने बाद मैं वापस सेंटर आया हूँ। कल्लू का वीडियो मैंने डायरेक्टली बनाने से मना कर दिया था, उसका रीजन एक है। अभी मैं आया हूँ 3 महीने बाद, मुझे नहीं पता शायद यहाँ पे कल्लू नहीं बचा है या तो कल्लू यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने काफी आवाज लगाई चारों तरफ, कल्लू कहीं नहीं है। एक बार और आप लोग के सामने भी आवाज लगा देते हैं, कल्लू 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 का कोई फैमिली वाला बंदा आ रहा है सामने से। आवाज लगाने पे कल्लू तो नहीं आया है, कल्लू की फैमिली का ये बंदा आया है। कल्लू नहीं आया, पता नहीं कल्लू, अरे कल्लू आ गए मेरे बच्चे, पहचाने हमको, पहचाने हमको मेरे बच्चे, आ जाओ बाहर आ जाओ, ये गेट बंद है, उस तरफ से आ जाओ कल्लू, उस तरफ से, उस तरफ से, वहां से, वहां से आओ 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 आओ। कहां? यहां नहीं आ पाओगे। अरे ना 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 मेरे बच्चा, अरे 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 भाई, अरे भाई, अरे ओ नो ओ भाई, वाह मेरे बच्चे। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कल्लू ने कौन सा टैलेंट दिखाया? अरे मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, काहे परेशान हो, इतने दिन बाद आए ना, वीडियो नहीं बना रहे थे ना, वीडियो क्यों नहीं बना रहे थे, आओ आप लोगों को बताते हैं वीडियो मैं क्यों नहीं बना रहा था। दोस्तों आप लोगों को बता दूं, मैं कल्लू का वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, मैं 3 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। वीडियो ना डालने का रीजन एक ऐसा था कि आप लोग भी बोलोगे भाई मैंने बोला था कि मेरे फेसबुक पे मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो गया था, इट मीन्स कि मेरा डॉलर बनना स्टार्ट हो गया था, डॉलर बन भी गया था, 72 डॉलर बन गया था मेरा 3 महीने में, 72 डॉलर बन गया था 3 महीने में कल्लू के वीडियो से। तो मुझे पता था डेडिकेशन पूरी कल्लू की है, इसमें कल्लू ने मेहनत की है, कल्लू ने उतनी अच्छी एक्टिविटी दिखाई जो आप लोगों को पसंद आई, आप लोगों को वीडियो कल्लू के पसंद आए और आप लोगों ने वीडियो वॉच किए जिससे ऐड आया और ऐड से मेरा 72 डॉलर बन गए। अब 72 डॉलर बनने के बाद मेरे एक चैनल पे नोटिस आता है, मैंने आप लोगों को लाइव आके भी बताया था, मेरे चैनल पे नोटिस आता है कि भैया आपके चैनल को हम परमानेंटली डीमोनेटाइज किए दे रहे हैं ड्यू टू रिस्ट्रिक्ट पॉलिसी, मतलब हम कोई पॉलिसी इनकी बेकार की है, इसकी वजह से ये जो है हमारा चैनल डीमोनेटाइज हो गया। अब जिस इंसान ने, मैंने सोचा था कि 100 डॉलर पे थ्री सोल्ड होगा, इट मीन्स कि अगर 100 डॉलर हो जाएगा तो मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब जो 100 डॉलर होने से पहले ही जो चैनल है डीमोनेटाइज हो गया और आने का कोई स्रोत नहीं रहा बचा। मैंने सोचा था जब 100 डॉलर हो जाएंगे, 8000 रुपए के करीब मेरे अकाउंट में आएगा, तो मैं इनके लिए और बाकी स्ट्रीट डॉग्स के लिए बहुत कुछ अच्छा मैंने प्लान किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब बेकार हो गया। इतना मन टूट गया था कि 3 महीने बाद मैंने सोचा आज एक और वीडियो बनाए थे आप लोग को, इसका अपडेट मैंने नहीं दिया था, लायक के नहीं है फेसबुक वाले, उन लोगों को पैसा देते हैं जो लायक के नहीं होते, और अगर मैं चाहता हूँ इन लोगों के लिए कुछ करना तो वो पॉसिबल नहीं, इसीलिए मैं दुखी हो गया था। मैंने कहा कल्लू मैंने तुम लोग के लिए बहुत अच्छा सोचा था, अब मेरा मन नहीं हो रहा वीडियो बनाने का, अगर आप इतना अच्छा पुण्य करने के बाद भी आप ये सब देखने को मिलता है तो इच्छा नहीं होती किसी चीज की। अब मैं आज कल्लू को लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरा भी मन नहीं मानता है। कल्लू आजा मेरे बच्चे। अगर मैं आपको मेरे इस बच्चे यानी कि कल्लू में कोई कमी दिखती हो, इसमें कोई कमी दिखती हो, इसके प्यार में कोई कमी दिखती हो, तो आप चैनल को डीमोनेटाइज कर सकते हो, लेकिन इनके प्यार में तो यार बेजुबान है, इनके लिए हम क्या करेंगे, इनको तो हम दुकान लेके जा रहे हैं। अब आप लोगों से एक छोटा सा विनम्र निवेदन है कि आप लोग की स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, जीपे नंबर, फोन पे नंबर, आप प्लीज उस पर कुछ ना कुछ डोनेशन कीजिए। अगर आप डोनेशन करेंगे, जितना भी डोनेशन करेंगे, मैं उसको आप लोगों को नेक्स्ट डे या 2-3 दिन में मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि उस पैसे का मैं मिस यूज ना करके इन्हीं के ऊपर खर्चा करूंगा, क्योंकि भाई अपनी भी लाइफ होती है, अपने भी कुछ खर्चे हैं, और मैं बिस्किट तो डेली खिलाता हूँ लेकिन मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ इन लोगों के लिए, तो मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तो बड़े में तो इतना कैपेसिटी मेरी नहीं है कि मैं इनका बड़ा कर सकूँ या कुछ भला कर सकूँ, तो उसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप लोग वहाँ से कल्लू से मीट नहीं कर सकते, मुलाकात नहीं कर सकते, पर लखनऊ आइएगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपको कल्लू से मुलाकात कराऊंगा, आप खुद अपने हाथों से बिस्किट खिलाइएगा। तो आज बड़े दिन के बाद वो भैया दिख रहे हैं, वो देखिए ऊपर वहाँ पे, भैया हाय कर दीजिए ऑडियंस को, ऑडियंस को हाय कर दिया, और आज कल्लू बड़े दिन के बाद मिले हैं। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करिए। और कल्लू
कल्लू बिस्किट खिलाया नहीं यार, वीडियो वो तो मैं खिलाता ही दुकान पे लाया हूँ, लेकिन लोगों को ना दिखाया मेरे बच्चे। कल्लू कदर डोनेशन करो, कदर डोनेशन करो, कदर डोनेशन डोनेट करो, बोलो कदर डोनेट करो, और डोनेट करो 9140299917 फोन पे जीपे कहीं पे भी डोनेट करो, बोलो 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 और डोनेट करो, बोलो 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 डोनेट करो, डोनेट करो, बोलो हेलो बोलो डोनेट करो। हाँ देखो बोला उसने डोनेट करो 9140299917। ले कर लू खा भाई, और कर लू तुम्हारे खानदानी कहाँ है, तुम भी खाओ जी, माओ जाओ 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 खाओ, तुम भी खाओ भाई। हाथ में नहीं खिला पाते हैं, थोड़ा सा डर लगता है। आज आज अंकल जी काफी दिन बाद आए, लगभग कम से कम 2 महीने के ऊपर हो गए होंगे क्या अंकल जी, आराम से वही जो आईटी वाला एग्जाम हुआ था, आईटी वाला एग्जाम हुआ था उसके बाद आए नहीं। असल में एक चैनल मेरा था, ये फेसबुक पे डालते थे वीडियोस की, तो वो चैनल जो है मोनेटाइज था, और फिर क्या हुआ कि चैनल डीमोनेटाइज हो गया, $72 बन गया था, लगभग 5,000 रुपये बन गया था, और अगर 8,000 रुपये हो जाता तो मेरे अकाउंट में आ जाता। मैंने सोचा था इन लोग के लिए एक शेल्टर वगैरह सोचा था कि इन्हीं लोग की वजह से इतना पैसा आ रहा है, फिल्टर बना दूंगा।